क्या आपने कभी सॉलिड ऑक्सीजन देखा है? और एक डीप से साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप मुझे देख रहे हो तब आप एक्चुअली में मुझे नहीं देख रहे हो, टेक्निकली आप फोटॉन्स को देख रहे हो। इसका एक डीप सा बात है जो कि आप जानोगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 13, मैंने आपको एक बार एक फैक्ट में बताया था कि अगर मैं किसी चीज को टच कर रहा हूं तो हम वो एक्चुअल में टच नहीं करते। ये जो आप टच वाली फीलिंग पाते हो ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के चलते होता है। एक्चुअल में कभी भी कोई भी चीज दूसरे से टच नहीं होती है ऑन अ वेरी डीप लेवल। ये माइंड ब्लो कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल वैसे ही आज आपको और एक रियलिटी के बारे में बता दूं कि आप जो भी अपने आंखों से देखते हो वो एक्चुअल चीज को आप नहीं देखते हो। अब कैसे? ये क्या है कि आप मोबाइल में मेरे को देख रहे हो, या फिर मोबाइल का एग्जांपल नहीं लेते हैं क्योंकि मोबाइल तो सिंपल पिक्सल्स है, मतलब मैं एक्चुअल में नहीं हूँ। मैं आपके फोन में एक्चुअल में लग रहा है कि मैं हूँ, लेकिन वो पिक्सल्स ग्लो कर रहे हैं और मिलके वो ऐसा नाटक कर रहे हैं मोबाइल के पिक्सल जैसे कि मेरा रियल वर्ल्ड में बॉडी है वैसा। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, लेकिन एक डीप सी साइंटिफिक बात करें तो आपके घर में आसपास कोई चेयर या कुछ भी है उसको आप देखो एक बार। जैसे कोई अलमीरा है तो किसी अलमीरा को हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल में मैं उसको नहीं देख रहा। हमारा आंख जो है वो नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमारा आंख फोटॉन्स को रीड कर सकता है। फोटोन लाइट उस पे जाके रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे आंखों में, और मेरे आंख के अंदर जो सेल्स हैं वो रीड कर रहे हैं फोटॉन्स को। मतलब ऑन अ डीप लेवल आप फोटॉन्स को देखते हो, ना कि एक्चुअल चीज को। वो आ वहीं से रहा है लेकिन उसको आने में टाइम लगता है, तभी तो कई तारे ऐसे हैं जो फट चुके होते हैं बट हम लोग को नॉर्मल दिखते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग रियलिटी को नहीं देखते हैं बल्कि जो अंदर बन रहा है वो हमारा दुनिया होता है। जब वो फोटॉन्स आपके रेटिना को हिट करता है तो आपके दिमाग के अंदर वो फोटॉन्स रीअरेंज होके उसका शेप ले लेता है, तब लगता है कि आप उसको देख रहे हो, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के चलते आप उसको फील कर पाते हो। एक्चुअल में एकदम क्वांटम लेवल की बात करूं साइंटिफिकली तो आप किसी भी चीज को नहीं देखते हो। आपका जो रॉड और कोन सेल होता है आंख में, जो कि आप पढ़े हुए अपने टेक्स्ट बुक में, वो रीड करता है फोटोन को, तभी हम देख पाते हैं। तो आपका दिमाग सोचता है कि वो एक्चुअल चेयर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जस्ट बंच ऑफ फोटॉन्स हैं जो कि अरेंज्ड है चेयर के पैटर्न में, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के चलते वो आप देख पा रहे हो बट एक्चुअल में नहीं देख रहे हो। ये काफी सैड बात है क्योंकि इसका मतलब आपने अपने गर्लफ्रेंड को कभी एक्चुअल में नहीं देखा है, बस उसके फोटॉन्स को देखा है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स करते हैं, तो आप किसी चीज को छूते हो तो आप एक्चुअल में नहीं छू रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन का आप रिपल्सन फील करते हो। साइंस जो है ना वो दुनिया की सबसे अमेजिंग चीजों में से एक है, सही में, है ना। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जब आप चांद पे जाओगे, मान लो आप चांद पे लैंड किए हो और आपको ब्यूटीफुल सा धरती दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा मस्त धरती वहां से, तो बात ये है ना कि धरती बड़ा है चांद छोटा है। तो धरती से जब चांद को देखते हैं तो वो अभी इधर रहता है, कुछ घंटे बाद वहां चला जाता है, आसमान में मूव करते रहता है। लेकिन जो भी एस्ट्रोनॉट्स या फिर आप भी जब चांद पे जाओगे भविष्य में, तो आपको धरती जो है वो एक ही जगह पे दिखेगा। ये फैक्ट आपको पता था? ये है फैक्ट। आपको धरती आसमान में, आप कुछ भी करो, आप दिन बीत रहे हैं महीने बीत रहे हैं, वो धरती एक ही जगह दिखेगा आपको आसमान में। ये फैक्ट सही में मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन बात फैक्ट यहाँ ये है कि मून जो है वो अर्थ से टाइडली लॉक्ड है, इसलिए हमेशा सेम साइड फेसिंग होता है इन दोनों का। मतलब वहां पे कोई धरती उगेगी फिर डूबेगी, राइज एंड सेट वो नहीं होता वहां पे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि पोलैंड में एक यूनिक सा सर्जरी किया गया था, और वो वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड सर्जरी था, और उसमें डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली एक इंसान का हाथ जो कि काम नहीं कर रहा था उसके हाथ में एक मरे हुए इंसान का हाथ लगा के सक्सेसफुली उसको नॉर्मल कर दिया। एंड इस चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब एक मरे हुए इंसान का हाथ एक जिंदा इंसान में लगाना और उसके बाद भी हाथ नॉर्मली काम करना, ये अजीब भी है और लगता अजीब है और अच्छा भी लगता है कि
ये ऐसा पॉसिबल हो पाया एटलीस्ट कि उसको जिंदगी भर के लिए अपना हाथ मिल गया, वो भी वर्किंग कंडीशन में। फैक्ट नंबर 10, जो फैमिलीज ऐसे होते हैं जिसमें कि ट्विन, कोई दो ट्विन है, वो किसी दो ट्विन से ही शादी कर लिए मान लो, तो उनके जो बच्चे होंगे, ये भी आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि जो उनके बच्चे होंगे क्या वो भी ट्विन्स ही होंगे। तो बात ये है ना कि ये जरूरी नहीं है कि वो ट्विन ही निकले, लेकिन ज्यादातर केस में वैसे ही होता है। मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं कि उन दोनों का ट्विन ही हो, लेकिन जिनका होता है वो तो वायरल हो जाते हैं। जैसे मेरे बगल में आप कई लोगों को देख सकते हो जो कि ट्विन है एंड उनके बच्चे भी ट्विन है। कितनी गजब बात है ना कि दो ट्विन लड़का दो ट्विन लड़की से शादी किया एंड बच्चे भी एकदम सेम दिख रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, हनी यानी शहद को तो आप खाई होंगे, लेकिन उसको आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो कई बार। हनी जो है वो हमारे कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर हनी रॉ फॉर्म में हो तो। हनी जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन होता है, बहुत कॉमन और बहुत रेयर सुगर्स का, रेयर प्रोटीन का और रेयर ऑर्गेनिक एसिड्स का और बाकी बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स का। मतलब आपको अमेजिंग नहीं लगता कि ये जो मधुमक्खियां हैं ये कहां कहां से क्या क्या फूल के छोटे छोटे पार्ट्स को ले आती है, अपने नेस्ट में डालती है और सालों बाद वो हनी बनाने में कामयाब रहती है। और वो एक ऐसी चीज है, धरती का इकलौता खाना जो कि 2000 साल भी रख दो तो वो खराब नहीं होगा, सेम टेस्ट करेगा। ये वंडर है भाई, उसमें कई टाइप के रेयर प्रोटीन और बाकी चीजें होती है। कई तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी कॉम्पाउंड्स हैं उसमें जिसको अभी तक ठीक से स्टडी भी नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही कूल सा फैक्ट है। साइंटिस्ट के पास एक एम थ्योरी नाम का एक थ्योरी है और वो कहता है कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 3 डायमेंशन नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। अब लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तो 3 डायमेंशन है ही, मतलब फिजिकल डायमेंशन जो कि हमारे दुनिया को बनाती है। 4th डायमेंशन जो है वो टाइम है, जिस तरह आप आगे जा सकते हो, इधर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, आपका बॉडी फिजिकली 3 डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। तो 4th डायमेंशन हुआ टाइम, समय। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग 4th डायमेंशन यानी समय में बिल्कुल 3 डायमेंशन की तरह जाना आना सीख गए तो उसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं, समय को एज अ फिजिकल डायमेंशन देखना। और ये कहा जाता है, बीच में मैं आपको बता दूं एक बात, कि ब्लैक होल में यही होता है। ब्लैक होल में फिजिकल डायमेंशन अनएक्सेसिबल हो जाता है, आप मूव नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम जो है उस पे आप मूव कर पाते हो, इसलिए ब्लैक होल के अंदर अजीब अजीब चीजें होती होगी। तो 4th डायमेंशन है टाइम। अगर कोई 4th डायमेंशनल बीइंग है तो वो इजिली टाइम में मूव कर पाएगा एज इफ वो स्पेस में मूव कर रहा है। और नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई 5th डायमेंशन को एक्सेस कर पाया, तो अगर साइंटिस्ट की पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी सही है जो कि ये कहती है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी आप सोच सकते हो, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि एक यूनिवर्स में आप एक नोबेल प्राइज विनर हो, एक यूनिवर्स में आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर हो, एक यूनिवर्स में आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, एक यूनिवर्स में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और एक यूनिवर्स में आप बहुत बड़े भिकारी हो, तो जो भी हमारा इमेजिनेशन है सब कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। और जिस यूनिवर्स में आप एक क्रिकेटर होगे फॉर एग्जांपल, तो वो आपका क्रिकेटर वाला सेल्फ जो है वो सोच रहा होगा कि मैं किसी और यूनिवर्स में शायद स्टूडेंट होगा जो कि पढ़ाई कर रहा होगा और क्रिकेटर नहीं बन पाया होगा, और वो जो सोच रहा है वो असल में आप हो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। मतलब हमारा इमेजिनेशन, यही थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स का जो कि वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। और 5, 6, 7, 8 ये तो काइंड ऑफ सिमिलर है 5th डायमेंशन की तरह, लेकिन जो 9th डायमेंशन की बात की गई है वो इंटरेस्टिंग है। जो 9th डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है वो गजब से भी ज्यादा गजब है, क्योंकि पहले आप इस इमेज को देखो, अपने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। पैरेलल यूनिवर्स जो है हमारे इमेजिनेशन का, हर एक यूनिवर्स इसी यूनिवर्स में मौजूद है, हमारा यूनिवर्स जिसको हम आवर यूनिवर्स कहते हैं। बट बबल वाला कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हो, गोल गोल जो देख रहे हो इधर, मल्टीपल यूनिवर्सेस साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती है एंड कॉन्सेप्ट ये है कि सबका अपना अपना लॉ है। एक यूनिवर्स में ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, एक यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे यूनिवर्स के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होगा, एक और यूनिवर्स ऐसा होगा जो कि
एंटी मैटर से बना होगा। सबके अपने अपने अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स। ये सुनने में एकदम क्रेजी कंसेप्ट है, लेकिन अगर नाइन्थ डायमेंशन रियल है और हम नाइन्थ डायमेंशन को एक्सेस कर पाए तो हम इन सारे यूनिवर्स में जा सकेंगे। नौवा डायमेंशन हमारे एग्जिस्टेंस का एक डीप सी बात है, मतलब बहुत मस्त है। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि हम लोग यूनिवर्स कहते हैं इस चीज को जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये यूनिवर्स जो कि इनफाइनाइट है और मल्टीपल यूनिवर्सेस मौजूद है अलग अलग, जिनका अपना अपना अलग अलग लॉ है, अपने अपने में अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स और बाकी चीजें। लेकिन जहां पे ये सारे यूनिवर्सेस मौजूद है वो लार्ज स्पेस, उसको क्या कहेंगे पता है एक वर्ड में? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कहेंगे, इसके ऊपर का और कोई वर्ड नहीं है। हमारे इस चीज को, जो मिस्टीरियस चीज है जो कि सब कुछ को इंक्लूड करती है, उसको एग्जिस्टेंस ही कह सकते हैं एट द टॉप। फैक्ट नंबर 7, ये भी एक बहुत डीप सा फैक्ट है। आपकी एज कितनी है? आपकी एज जितनी भी हो, आप असल में 13.8 बिलियन ईयर पुराने हो, 13 बिलियन साल पुराने हो आप। आपकी एज टेक्निकली 1300 करोड़ साल है, 1300 करोड़ साल। अब सुनने में ये पगला वाला बात लग रहा होगा, लेकिन एट द डीपेस्ट लेवल यू आर द यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एज अ ह्यूमन। ये एक बहुत ही डीप लाइन है। आपके शरीर में एटम्स हैं और वो एटम्स तभी बने थे फर्स्ट टाइम जब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था और हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तो वही चीजें अभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, वो अपना भेष बदल रही है। मरने के बाद वही मिट्टी बन जाती है और जन्म लेने पे सेल डिवाइड होके वही एटम्स ही है एट द बेसिक लेवल। तो एट द डीपेस्ट लेवल, फिर से कह रहा हूँ, यू आर द यूनिवर्स इटसेल्फ एक्सप्रेसिंग एज अ ह्यूमन फॉर्म। आपका हर एक एटम यहाँ जो मौजूद है ना, सब वैल्यूएबल है, हर कुछ, सब 13.8 बिलियन साल पुराना है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है गैलेक्सी एक्स। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको एक छोटा सा गैलेक्सी चक्कर लगा रहा था। स्पेस जो है ना, वो एक फैब्रिक की तरह है। जो स्पेस है उसका आप फैब्रिक वाला इमेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो जितना भारी होता है वो स्पेस को वैसे ही मोड़ता है, और ब्लैक होल्स के केस में यही पूरा एकदम डीप रहता है, सब कुछ को अपने अंदर खींच लेता है। ग्रेविटी इसी को कहते हैं, और हर कुछ का ग्रेविटी होता है, आपके बॉडी का भी ग्रेविटी है। आपका बॉडी अगर स्पेस में चला जाए तो वो हल्का सा फैब्रिक को मोड़ेगा, और सूरज का मास इतना है कि वो पूरे सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ घुमाता है। तो इसी स्पेस फैब्रिक के मुड़ने को, रिपल को नोटिस किया गया मिल्की वे के आसपास। तब ये पता चला कि ये गैलेक्सी है एक भयंकर सा, वो मिल्की वे का रेवोल्यूशन करता है, मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है, एक डार्क और एक छोटा गैलेक्सी। और वो अजीब टाइप का डार्क और ड्वार्फ गैलेक्सी है जो कि हमारे मिल्की वे के रोटेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। उसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना है उसका मास उतना ग्रेविटी नहीं होना चाहिए था उसका। वो हमारे मिल्की वे को भी इफेक्ट कर रहा है और स्पीड स्लो कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन किया है और ये समराइज किया है कि ये डार्क मैटर से बना हुआ है। ये जो गैलेक्सी है इसके अंदर बहुत मात्रा में डार्क मैटर मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है नायगरा फॉल्स जो ये है, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक है, बट ये नायगरा फॉल्स एक बार सूखा भी था। ये है नायगरा फॉल्स विदाउट वाटर 1969, ये अमेरिका के इंजीनियर्स ने किया था 1969 में। फैक्ट नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने देर जब तक मैं ये काउंटिंग किया तब तक हमारा यूनिवर्स 5 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और हर सेकंड काउंट करे तो इतना बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, एक एवरेज पर्सन अपना जो सांस है उसको पानी के अंदर कितने देर तक रोक सकता है? नॉर्मली 60 सेकंड से कम तक ही होल्ड कर पाता है एक एवरेज इंसान। लेकिन आपको पता है कि अंडर वाटर अपना ब्रेथ होल्ड करने का सबसे लंबा रिकॉर्ड किसका है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों के सामने अपने सांस को 24 मिनट 37 सेकंड
इतने देर तक अचीव किया था। इनका नाम है बुडिमिर सोबैट और ये क्रोएशिया के निवासी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इस धरती पे सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने का जो एज का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, वो किसके पास है? वो है जेन ल्यूस कैलमेंट के पास, और ये 122 साल और 164 दिन तक जिंदा रही थी, और ये फ्रांस की है। तो बात ये है कि इनका जो एज है वो वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड है फुल्ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये मेंशन है कि ये फुल्ली ऑथेंटिकेटेड है इनका एज। एक्चुअल में ये इतनी ही की है, बट क्या है कि हमारे भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि मेरे हिसाब से 122 से बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे हैं, और ऐसे होते हैं, बट इनको ऑथेंटिकेट या फिर मतलब इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है मेरे हिसाब से। अब ऑफिशियल तो यही है अभी तक, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे कई लोग इंडिया में भी हैं जो कि इससे भी ज्यादा जिए होंगे, बट वो ऑथेंटिकेट या ऑफिशियल लेवल पे नहीं रिकॉग्नाइज हो पाए, इसलिए उनके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे मैंने पर्सनली कई लोगों के बारे में सुना है जो कि 150-200 साल तक भी क्लेम करते हैं, लेकिन जिए कि नहीं जिए तो कन्फर्म कोई नहीं कर सकता, बट 122 साल से तो ज्यादा है हमारे इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है नॉन ऑफिशियल की बात करें तो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ऑक्सीजन को जमे हुए स्टेट में देखा है? क्या है कि जब ऑक्सीजन को आप -218.79 डिग्री सेल्सियस इतने पे लाते हो, तब वो सॉलिड रूप ले लेता है, और वो बिल्कुल क्लियर लाइट स्काई के फॉर्म में क्रिस्टल बन जाता है। जो आप इमेज देख रहे हो वो लिटरली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का यही वो टेम्परेचर है जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और जो मटेरियल्स है उसको हम लोग एक हद तक ही गर्म कर पाते हैं या फिर माइनस तक ला सकते हैं, लेकिन जहां पे सुपरनोवा और बाकी स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं वहां पे तो न जाने क्या क्या टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एब्सोल्यूट जीरो, जो यूनिवर्स का टेम्परेचर, और बाकी एकदम हीट में सबसे हाईएस्ट लेवल। ये सब फिलहाल सुपरनोवा में डिस्कवर हुआ है, जहाँ पे अजीब अजीब एलिमेंट्स फॉर्म होते होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। और जो आप अपने साइंस बुक्स में पढ़ते हो कि तीन स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक्चुअली में नर्सरी की बात है। इसके ऊपर भी बहुत सारे मिस्टीरियस स्टेट्स हैं जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में कल पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।